दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पावरफुल देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इकोनॉमिक इतिहास की और जानेंगे उन कारणों को जिन्होंने यूएसए को वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाया। अमेरिका आज न सिर्फ मिलिट्रली सबसे पावरफुल है बल्कि इकोनॉमिकली भी उसकी जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर्स की है। इंडिया के कंपैरिजन में लगभग 7 गुना और चाइना से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। अमेरिका के इस ट्रेमेंडस जीडीपी के कई कारण हैं। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म से लेकर इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यूएस इकोनॉमी के फाउंडेशन पिलर्स हैं। इसके अलावा यूएसए मैसिव रिसोर्सेज और लैंड एरिया को भी कंट्रोल करता है जो उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे कारण इनफ नहीं है ये बताने के लिए कि यूएसए कैसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह इमर्ज हुआ, क्योंकि ये कंडीशन कई और देशों में भी एग्जिस्ट करती थी और करती हैं। इसलिए आइए हम यूएसए के इतिहास की वो बातें आपसे शेयर करते हैं जो उसके बेमिसाल इकोनॉमिक राइज की कहानी को जस्टिफाई कर सके। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हियर इज द लिंक, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। यूएसए की कहानी की शुरुआत होती है July 4, 1776 में, जब वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से खुद को आजाद कर लेता है और एक डेमोक्रेटिक स्टेट की स्थापना करता है। दोस्तों एक रोबस्ट इकोनॉमी का फाउंडेशन एक रोबस्ट पॉलिटिकल सिस्टम होता है। मिडिल ईस्ट से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम एक रोबस्ट इकोनॉमी क्रिएट नहीं कर सकता, भले ही आपके पास ऑयल जैसे क्रिटिकल रिसोर्सेज हों। इस कॉन्टेक्स्ट में यूएसए के फाउंडिंग फादर्स ने जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद एस्टैब्लिश किया वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था यूएसए के इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री में। यूएसए ना सिर्फ एक डेमोक्रेटिक स्टेट था बल्कि एक रोबस्ट, रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक स्टेट बना बेस्ड ऑन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसने ये इंश्योर किया कि वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस और इंस्टेबिलिटी जैसे फ्रीक्वेंट सिविल वॉर्स, मिलिट्री कू और डिक्टेटरशिप जैसी सिचुएशंस इमर्ज ना हो। यूएसए के प्रेसिडेंशियल सिस्टम ने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन किया, अनलाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली स्लो होती है। इंडिया में हमने एक लॉन्ग एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट देखा जिसने कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को भी इम्पैक्ट किया। यूएसए के इस रेजिडेंट सिस्टम के कारण ही वहाँ इन जनरल पॉलिटिकल क्राइसिस अवॉइड की गई। फॉर एग्जाम्पल यूएसए के 8 प्रेसिडेंट्स की इन ऑफिस डेथ हुई, लेकिन इमीडिएटली वाइस प्रेसिडेंट्स ने प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड किया। यूरोपियन सोसाइटीज में ग्रैंड आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जन्म तो हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड ये आइडियाज और वैल्यूज लोगों में इनक्यूलकेट काफ़ी स्लोली हुए। इसका मेन रीजन था यूरोप की हायरार्किकल फ्यूडल सिस्टम, जहां लॉर्ड्स, ड्यूक्स और अर्ल्स मॉडर्न टाइम्स में भी काफ़ी पावर होल्ड करते थे। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जिस तरीके की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की वो वर्कर्स और लोगों तक पहुंची नहीं, और यूरोप में सोशल मोबिलिटी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रही। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी लार्जली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस को बिलोंग करती थी, जिससे वहाँ के लोगों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा और डीपली इंजेक्टेड थी। यूरोप जैसी हायरार्की यहाँ इसलिए भी नहीं थी क्योंकि अमेरिकन्स मेनली सेटलर्स और ट्रेडर्स थे फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इन न्यू प्लेस। इसने लोगों के मोटिवेशन को इंक्रीज किया क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट यूएसए में लोगों तक भी पहुँचा। इंसेंटिव्स हमेशा इनोवेशन को जन्म देते हैं और यूएसए में यही हुआ। एक मोटिवेटेड वर्कफोर्स और सोसाइटी यूएसए के लिए वरदान साबित हुई। इसके अलावा 1791 में अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत कांग्रेस को ये पावर मिली कि वो पेटेंट लॉज इनैक्ट कर सकते हैं। इन पेटेंट लॉज ने भी अमेरिका में इनोवेशन को सदियों तक बूस्ट किया। यूएसए की ग्रोथ का अगला सीक्रेट है उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जिसने उसे स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस और प्रीशियस मिनरल्स का एक्सेस दिया। दोस्तों इंडिपेंडेंस के वक्त यूएसए केवल नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में सीमित था, जो 13 फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज के एमलगमेशन से बना था। लेकिन 1803 में यूएसए के लीडर्स ने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की शुरुआत की, जब थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से $15 मिलियन में लुइसियाना को परचेज किया। इस परचेज ने यूएसए की टेरिटरी को डबल कर दिया। ये लैंड मिसिसिपी रिवर से रॉकी माउंटेन्स और गल्फ ऑफ मैक्सिको से कैनेडियन बॉर्डर तक थी। यहाँ से शुरुआत हुई मेनफेस्ट डेस्टिनी नाम के आइडिया की, जिसने पहले यूएसए के वेस्टवर्ड एक्सपेंशन को और बाद में उसके ग्लोबल एक्सपेंशन और इंटरनेशनल पुलिसिंग को जस्टिफाई करने का काम किया। मेनफेस्ट डेस्टिनी को यूज करते हुए 1845 में यूएसए ने टेक्सास को एनेक्स कर लिया, जो पहले मेक्सिकन टेरिटरी था। इस एनेक्सेशन के बाद शुरू हुए बॉर्डर डिस्प्यूट ने 1846 में मेक्सिकन अमेरिकन वॉर को जन्म दिया और 1848 तक यूएसए इसमें विक्टोरियस हुआ। वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ ग्वाडालूप हिडाल्गो के तहत मेक्सिको ने अपनी टेरिटरी का लगभग आधा लैंड यूएसए को दे दिया। इसमें करंट स्टेट्स ऑफ टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू मेक्सिको, एरिजोना, निवाडा, यूटा और पोर्शंस ऑफ कोलोराडो और व्योमिंग इंक्लूडेड है।
1846 में यूएसए ने ब्रिटेन से ओरेगॉन कंट्री को भी अपनी टेरिटरी में इंक्लूड किया। बाद में 1867 में उसने रशियन एम्पायर से अलास्का भी परचेज किया। 1898 में स्पैनिश अमेरिकन वॉर में विक्ट्री के बाद यूएस ने पैसिफिक और सेंट्रल अमेरिका में अपना कंट्रोल बढ़ाया और उसने गुआम, पोर्टो रिको और फिलीपींस का कंट्रोल ले लिया। इस दौर में उसने हवाई को भी अपने कंट्रोल में लिया। 1902 में यूनाइटेड स्टेट्स ने पनामा कैनाल के कंस्ट्रक्शन को फ्रेंच कंपनी से परचेज किया। तब पनामा कोलंबिया के अंडर था, लेकिन 1903 में प्रेसिडेंट टेडोर रूजवेल्ट ने पनामा के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को एक्नॉलेज करते हुए वहां यूएस बैक्ड रेवोल्यूशन को अंजाम दिया, जिसने पनामा को एक इंडिपेंडेंट देश बना दिया। इसके बाद यूएस का पनामा में ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल हो गया और उसने हे बुनाव वरीला ट्रीटी के तहत पनामा को लीज पर लिया इन रिटर्न फॉर एनुअल रेंट। इस पूरे एक्सपेंशन का आउटकम ये हुआ कि यूएसए का कंट्रोल अटलांटिक और पैसिफिक दोनों में बढ़ गया और यूएस ट्रेड को मैसिव बूस्ट मिला। इसके अलावा चाइना के साथ ओपन डोर पॉलिसी ने पैसिफिक के थ्रू भी ट्रेड को मैसिवली एक्सपैंड किया। इन दोनों ओशंस में यूएसए के कंट्रोल का स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन भी था, जिसके थ्रू वो वर्ल्ड वॉर टू में जापानीज राइज को काउंटर करने में सफल हुआ और बाद में सोवियत के कंटेनमेंट में भी। 24 जनवरी 1848 में जेम्स मार्शल ने कैलिफोर्निया में मेजर गोल्ड रिजर्व्स को डिस्कवर किया, जिसने कैलिफोर्निया को एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर बना दिया। इस दौर में यूएसए के बाकी स्टेट्स और फॉरेन कंट्रीज लाइक पेरू, चिले और इवन चाइना से मैसिव इमिग्रेशंस हुआ, जिसे कैलिफोर्निया गोल्ड रश कहते हैं। गोल्ड की इस डिस्कवरी ने यूएस इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया। निवादा में लोकेटेड कार्लिन अनकॉन्फर्मिटी या कार्लिन ट्रेंड भी 1870s में डिस्कवर हुई, जो आज यूएसए और वर्ल्ड की बिगेस्ट गोल्ड माइन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डेटा। अलास्का में भी गोल्ड के मैसिव प्लेसर डिपॉजिट्स मिले। गोल्ड प्रोडक्शन में यूएसए आज फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में लगभग 8000 टन के साथ यूएसए टॉप में है। अमेरिकन राइस को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब अकेले काफी नहीं है। बात 19th सेंचुरी की है, जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जोर पकड़ रहा था और इसके साथ ही फ्यूल की डिमांड बढ़ी। 1859 में एडविन ड्रेक ने एक नई टेक्निक यूज कर पेंसिल्वेनिया में ऑयल वेल से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया और देखते ही देखते यूएसए एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर बनके उभरने लगा। टेक्सास का एनेक्सेशन यूएसए के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ, जहां आज उसके लार्जेस्ट ऑयल और गैस रिजर्व्स लोकेटेड हैं। टेक्सास में कंट्रोल ने उसे गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करने में भी हेल्प किया। न्यू मेक्सिको और कैलिफोर्निया में भी आज मेजर ऑयल रिजर्व्स लोकेटेड हैं। इसके अलावा जिस अलास्का परचेज को यूएस में फुलिशनेस कहा जा रहा था, वो भी गोल्ड के अलावा ऑयल और गैस का मेजर रिजर्वायर बनके उभरा। 2015 से 2019 के बीच अलास्का यूएसए के लिए फिफ्थ लार्जेस्ट ऑयल का सोर्स रहा। 20th सेंचुरी में जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, इंक्लूडिंग शिप्स, ऑटोमोबाइल्स और एविएशन, वैसे ही ऑयल की डिमांड दुनिया भर में और ज्यादा बढ़ी और यूएसए को काफी फायदा हुआ। 26th में 1908 को एक और मेजर इवेंट हुआ, जिसने पूरी दुनिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को बदल कर रख दिया। ये था ब्रिटिश कंपनी का ईरान में ऑयल फील्ड डिस्कवरी। ईरान में ऑयल की इस डिस्कवरी ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक रेस को जन्म दिया, जिसके तहत जगह जगह ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरी हुई। यहाँ के ऑयल का सबसे ज्यादा इनिशियल बेनिफिट ब्रिटिश कंपनीज ने उठाया। बाद में सऊदी अरेबिया इस रीजन में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स का सेंटर बना, जहां यूएसए कंपनीज ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरीज में इन्वॉल्व थी। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ऑयल का डिमांड और प्राइस दोनों काफी रैपिडली बढ़ा और यूएसए ने सऊदी के साथ एक अलायंस किया, जिसके तहत सऊदी की सिक्योरिटी के बदले यूएसए को वहां के ऑयल फील्ड्स में एक्सेस मिला। मिडिल ईस्ट की ऑयल डिस्कवरी आज तक इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट्स का एक मेजर कारण है। यहाँ का ऑयल इतना प्रीशियस था कि जब इराक और ईरान ने अपने ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज करके पर्शियन गल्फ में ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्लान बनाया, तो सडनली पर्शियन गल्फ में वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ गई विद सऊदी सपोर्ट। 2003 में हुए इराक वॉर का कारण भी पार्शली यही ऑयल पॉलिटिक्स बनी। खैर, मिडिल ईस्ट में ऑयल फील्ड्स का एक्सेस और डोमेस्टिक ऑयल फील्ड्स दोनों के चलते अमेरिकन इकोनॉमी में मैसिव बूस्ट हुआ और वेल्थ राइज हुआ। इस इकोनॉमिक बूस्ट ने यूएसए को मिलिटरीली भी काफी हेल्प किया और वहां के टेक्नोलॉजिकल बूस्ट को एक फाउंडेशन दिया। इसके अलावा ऑयल ने ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एक्सेट्रा को भी बूस्ट किया। इन सब के अलावा यूएसए ने दोनों वर्ल्ड वॉर के समय की पॉलिटिक्स में खुद को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से बचाया। 1914 में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर वन में यूएसए की एंट्री 1917 में हुई और 1939 में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर टू को उसने दिसंबर 1941 में ज्वाइन किया। लेकिन यूएस एक पावरफुल इकोनॉमी की तरह ऑलरेडी राइज हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री काफी फ्लरिश कर रही थी। इस मिलिट्री इंडस्ट्री को वर्ल्ड वॉर्स ने और ज्यादा बूस्ट दिया, जब यूएस अलाइड पावर्स का मेजर आर्म सप्लायर बना।
वर्ल्ड वॉर वन में यूएसए ने अलाइड पावर्स को लगभग $7 बिलियन का लोन भी दिया। वर्ल्ड वॉर टू में भी न्यूट्रलिटी एक्ट ऑफ 1939 के तहत यूएस न्यूट्रल तो था, लेकिन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कांग्रेस को फ्रांस और ब्रिटेन को मिलिट्री सरप्राइज देने के लिए कन्विंस कर लिया। इस दौरान रूजवेल्ट ने वॉर प्रोडक्शन बोर्ड स्टैब्लिश किया और डिफेंस एक्सपेंडिचर 1% ऑफ GDP से 40% तक बढ़ गया। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के हिसाब से जर्मनी ने 1942 में 15,000, 1943 में 26,000 और 1944 में 40,000 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए, जबकि हम बात करें यूएसए में तो ये फिगर्स 48,000, 86,000 और 1,14,000 थे, जो जर्मनी से काफी ज्यादा है। कई अमेरिकन कंपनीज जैसे बोइंग और जनरल मोटर्स के डिफेंस डिवीजन का एक्सपेंशन भी हुआ। वर्ल्ड वॉर टू ने यूरोपियन पावर्स को काफी नुकसान पहुंचाया और ब्रिटेन की डोमिनेंस को खत्म किया, लेकिन यूएसए के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और यूरोप से उसके जियोग्राफिकल आइसोलेशन ने उसे नुकसान कम फायदा ज्यादा पहुंचाया। यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो एक सुपर पावर की तरह राइज हुआ, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी आ गए थे। कई एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि इन वॉर में यूएस का एंट्री प्योरली आर्म सेल से प्रॉफिट कमाने के लिए ही था। इन टोटैलिटी यूएस के इकोनॉमिक राइज में हिस्टोरिकल फैक्टर्स का मेजर रोल रहा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ऑयल रिसोर्सेज, गोल्ड रिजर्व्स, टेरिटरी के स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस, वेपन सेल और नियो कॉलोनियलिज्म ने मिलजुल कर जो वेल्थ जनरेट किया, उसे अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल्स, पोर्ट्स और इंटरनेट इंक्लूडेड हैं। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्टडी ने पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हर एक डॉलर स्पेंडिंग पर $3 GDP ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स यूएस के मॉडर्न इकोनॉमी का बेस बन गए। इन्होंने वहां साइंटिफिक एडवांसमेंट को भी प्रमोट किया अलॉन्ग विथ रोबस्ट पेटेंट लॉज। इसलिए यूएस ने दुनिया के लगभग 34% नोबेल लॉरेट्स को भी प्रोड्यूस किया, जिसमें मेजोरिटी प्राइसेस साइंसेज में है। इसके अलावा कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली आज दुनिया के मेजर IT जायंट्स का हब है, इंक्लूडिंग गूगल, फेसबुक एंड एप्पल। नियो कॉलोनियल बिहेवियर के चलते यूएसए को मिडल ईस्ट में काफी बैकलैश फेस करने पड़े। पहले 1973 में ओपेक ने यूएसए और उसके एलाइज पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया, और बाद में 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन ने यूएस बैक्ड रजीम को ओवरथ्रो और सेकेंड ऑयल क्राइसिस को जन्म दिया। इन ऑयल क्राइसिस और बाद में राइजिंग टेररिज्म, वायलेंस और इंस्टेबिलिटी की वजह से यूएसए ने अपने ऑयल डिपेंडेंस को खत्म करने की कोशिश की है। इस दौर में नाइजीरिया और वेनेजुएला मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स की तरह भी इमर्ज हुए। इसके अलावा यूएस ने खुद भी ह्यूज शेल रिजर्व से ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट करना चालू किया थ्रू फ्रेकिंग टेक्नोलॉजी। इन टोटैलिटी यूएसए आज काफी सेल्फ डिपेंडेंट भी है, और वहां मिले शेल रिजर्व्स ने एक बार फिर यूएस इकॉनमी में एक मेजर शिफ्ट क्रिएट किया है। तो दोस्तों, ये थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इकोनॉमिक राइज के सीक्रेट्स की कहानी। यूएसए का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि वो आज भी एक मेजर इकोनॉमिक पावर हाउस है, जिसे चैलेंज करने वाला फिलहाल कोई दूसरा देश दूर दूर तक नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।